ये देखो हमारा बस यही है और अब जा रहे हैं बैठने, यही सीधा लेके जाएगा हमारे मंजिल तक। बैठ चुके हैं बस में, बाय बाय काठमांडू के बस। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने घर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज के व्लॉग में हम लोग काठमांडू में ही है, रूम से मैं आ गया हूँ बाहर और सब लोग रेडी हो रहे हैं, निकल रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर क्योंकि अब काठमांडू में सब जगह हो गया है घूम के। मेन हम लोग का था पशुपतिनाथ के दर्शन करना, वो दर्शन हो गया, तो जितना हो सका मैं उतना घूमा काठमांडू नेपाल में और आप लोग को भी जितना हो सका मेरे से उतना मैं आप लोग को दर्शन करा दिया, दिखा दिया जितना मेरे से हो चुका। तो बस दो दिन ही हम लोग थे काठमांडू में और अब जा रहे हैं और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो सब लोग रेडी होते हैं फिर हम लोग नए निकल रहे हैं। और आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सामान सब पैक हो गया, ये मेरा और ये, और सब तैयार हो गए हैं। बाबू तैयार हो गए हो अभी? नहीं, मोटा कपड़ा पहन लो, चाय घाटी खाओगे? ठीक है खा लो फिर चलेंगे, जाओ खा लो जाओ। बाबू चाय घाटी खाएगा, खाओ खा लो। तो अब हम लोग निकल रहे हैं बस स्टैंड के लिए, सब लोग तैयार हो गए हैं। हेलो, बस स्टैंड आ गए हम लोग, इधर हमारा बस है, फिर बस में बैठ के जाएंगे। ये टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट वगैरह आप ले सकते हैं जहाँ भी जाना है आप लोग को। और हम लोग का बस अभी फ़िलहाल आया नहीं है, हम लोग वेट कर रहे हैं, आने वाला है, फिर जैसे ही बस आएगा फिर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग रुक गए हैं सामान लेने के लिए, ये है दुकान, मिठाई चॉकलेट नमकीन बहुत, तो ज़्यादातर तो अपने इंडिया का ही सामान दिख रहा है, आधा से ज़्यादा ही चॉकलेट आइटम ज़्यादा है उल्लासनगर वाला। हल्दीराम सोन पापड़ी, डेयरी मिल्क स्नेकर, रेड बुल, बादाम शेक। तो क्या ले रही है ये और ये? चलो ठीक है। ये देखो हमारा बस यही है और अब जा रहे हैं बैठने, यही सीधा लेके जाएगा हमारे मंजिल तक। चलो बाबू बैठ चुके हैं बस में, हम लोग की बस आ गई है मेन रोड पे। अब बाय बाय काठमांडू, फिर मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पर मार्केट लगा है और ये लॉर्ड्स मॉल के सामने वहाँ पर बस पार्किंग था, बस स्टैंड था। और ये भी मॉल है, बुद्धा मॉल लिखा है, जूम करके दिखाता हूँ। देखिए बुद्धा मॉल और यहाँ का मार्केट, और गाड़ी निकल गई हमारी। तो अब ये है बुद्धा हॉस्पिटल, पूरा रोड है नीचे, नीचे ऊपर पूरा पहाड़, नीचे रोड, फिर ऊपर रोड, चारों तरफ रोड ही रोड, सब जाम है। अभी गाड़ी रुकी है ना, ऐसे है गोल में, गोल में है, उधर देखिए
नीचे तक। तो अभी हमारी बस रुक गई है नाश्ता वास्ता करने के लिए, आराम करने। आइए चाय टाइम, चाय पी के हो गया मेरा। तो दोस्तों अब चाय पी के हो गया और अब मैं जा रहा हूँ बस ड्राइवर के आगे बैठने, और वहीं से बैठ के मैं आप लोग को आगे का सीन दिखाऊंगा। तो आगे आया हूँ बैठने। रोड का काम चालू है। कैसन गिर रहा कि खतरनाक है, तो ढेर दिन बाद लग रहा मतलब भाग नहीं सकता। यहाँ पर रोड का भी काम चालू है। हम लोग पहाड़ से उतर के आ गए हैं नीचे की तरफ। तू ऐसा देखो कितना बड़ा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब बस थोड़े ही देर में घर पहुंचने वाले हैं, घर नज़दीक आ गए हैं। बाय बाय काठमांडू के बस। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने घर, ये देख सकते हैं आप। बहुत तो कुहासा है, और अब जाते हैं, फ्रेश होते हैं, आराम करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं, क्योंकि अंधेरा बहुत है, उजाले में बात करेंगे। तो फाइनली हम लोग नहा धो के फ्रेश हो गए हैं, और जैसा मैं आप लोग को बोला था अंधेरा बहुत था तो आप लोग से बात मैं कर नहीं पाया। तो मैं बता दूँ हम लोग घूमने का, मैं आप लोग को बता दूँ हम लोग पहले पशुपतिनाथ मंदिर गए दर्शन करने, फिर वहाँ से बुद्ध टेम्पल गए, फिर दूसरे दिन हम लोग नीलकंठ विष्णु भगवान के मंदिर गए, और ऐसे ही तीन चार जगह घूम फिर के फिर हम लोगों ने दो दिन हम लोग वहाँ पर रुके थे, दो दिन फिर घूम फिर के बाकी उसके दिन रात में सुबह गए। और हम लोग जब वहाँ से आए तो पूरा पहाड़ी पहाड़ एरिया है, काठमांडू पूरा पहाड़ों के बीच में है, और जितना टाइम हम लोग को जाते लगा उतना ही टाइम आते भी उतना ही लगा, 11-12 घंटा, और फिर हम लोग घर पे आ गए। और बस ये ब्लॉग इतना ही, बाय बाय काठमांडू। अब फिर मिलेंगे आप लोग से नए वीडियो नए ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।